हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे आप सबका। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि चाय की पत्ती को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लगभग हम सब के घर में ही चाय की पत्ती यूज़ होती है। हम चाय की पत्ती को चाय बनाने के बाद उसको फेंक देते हैं, लेकिन अब से आप इस चाय की पत्ती को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि चाय की पत्ती चाय बनाने के साथ जो पत्तियां रह जाती है उन पत्तियों से आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अगर आप और चाय की जो जो पत्ती होती है उनको आप अलग से कंपोस्ट के काम में लगा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले जो पत्ती होती है उन पत्तियों को पानी देकर फिर से उबालकर इसका एक पानी तैयार करती हूँ, और बाकी उसको छानने के बाद जो पत्ती होती है उनको मैं अलग से रख देती हूँ कंपोस्ट के लिए। देखिए, मैंने इस पत्ती को जो पत्ती थी चाय की पत्ती उनको चाय बनाने के बाद फिर ये पानी फिर से मैंने रेडी किया है प्लांट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो ये गंधराज का प्लांट है, देखिए ये प्लांट, इस पर इसकी पत्तियाँ जो है वो येलो कलर की हो रही थी, इस पर फूल भी नहीं लग रहे थे। तो मैंने लगभग 10 दिन पहले इस पर चाय की पत्ती की जो फर्टिलाइज़र होती है उसको मैंने यूज़ किया। देखिए अब इसकी पत्ती कितनी घनी और एकदम ग्रीन हो गई है, और इसमें ये जो है कली भी आ गई है। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आज मैं इसको यूज़ करूँगी मेरे जो मनी प्लांट है उस पर। देखिए मनी प्लांट के लिए भी ये जो चाय की पत्ती की जो लिक्विड है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसको घना, इसकी पत्तियाँ बड़ी पत्तियों को बड़ा करने में, इसको घना करने में ये बहुत ही असरदार होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर लूँ। देखिए मैंने ये जो चाय की पत्ती की जो ये पानी है ये लिक्विड फॉर्म में है। ये इसलिए मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये फुल ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर है। इसीलिए ये आपकी जो पॉट की जो मिट्टी है उसको अच्छा करने में, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा देती है। तो इसके लिए आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, और इसके छानने के बाद जो पत्ती है उसको भी आप मत फेंकिए। उस पत्ती को आप एक्स्ट्रा टच रख दीजिए, उसको आप अपने जो किचन की वेस्ट है उसके साथ मिलाकर एक बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो फिर देखिए मैं इसका क्या करती हूँ, ये 3 दिन पहले मैंने चाय की पत्ती को उबालकर छानकर इसको मैंने इस पे रख दिया था इस कप पे। अब मैं आज इस पर डालूँगी, मैं अपनी दोनों प्लांट में ही डालूँगी। देखिए जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने में मदद करती है, जो फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होती है वो फूल फल लाने में मदद करती है। देखिए ये बहुत दिनों से इस पर फूल नहीं खिला था, तो देखिए अब लगभग 10 दिन पहले मैंने इसकी यूज़ किया और इस पर देखिए अब ये कली आ रही है, बहुत सारी कली आ गई है। देखिए मैं हमेशा ही अपनी जो प्लांट है उस पर ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, मेरे घर में ही बनाकर। मेरे और भी वीडियो डाल चुकी हूँ मेरे इस चैनल पे, कैसे कैसे हम जो घर पे ही वेस्ट चीज़ों से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं उसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लांट को फुल न्यूट्रिशन के लिए आपको बदल बदल के उस पर फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में आता है, हमारे घर में ही हो जाती है। तो आज मैं चाय की पत्ती की ये पानी डाली हूँ। इस फिर से 10-12 दिन बाद मैं और एक घर में फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, उसको डालूँगी, ठीक है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने प्लांट को ऐसे ही न्यूट्रिशन देते रहिएगा और प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने में मदद कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगे तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।